उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर जाएंगे। योगी का दो दिनों का गोरखपुर दौरा है। योगी के कार्यक्रम को देखते हुए पूरे गोरखपुर को सजाया गया है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम आदित्यनाथ के स्वागत की तैयारी में लगे हैं। सीएम योगी विशेष विमान से शाम 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। एमपी इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 26 मार्च को 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव पर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल को मंजूरी दे दी है। सीएम ने अपने 37 विभागों में से एक विभाग और कम कर दिया है। अब सीएम के पास सिर्फ 36 विभाग हैं। समन्वय विभाग को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। स्वामी प्रसाद के पास मौजूद डिपार्टमेंट में से नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन डिपार्टमेंट को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को उनके पूर्व आवंटित विभागों के साथ मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी और गृह सचिव को कहा है कि जो एडल्ट कपल अपनी मर्जी से घूम रहे हों उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि बूचड़खानों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी अवैध बूचड़खाने बंद होंगे। सीएम आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद पुलिस ने चलती ट्रेन में महिला पर एसिड फेंकने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे उनके साथियों के बारे में पता कर रही है। ऊंचाहा लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में गुरुवार दोपहर रायबरेली की रहने वाली रेप पीड़ित महिला को जबरदस्ती तेजाब पिलाने की कोशिश गई, बाद में उस पर तेजाब फेंक दिया गया। महिला का हालचाल जानने सीएम लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया था। यूपी के झांसी में रहने वाली बीए की एक छात्रा मनचलों से परेशान है। चिरगांव की रहने वाली छात्रा का आरोप है कि घर से निकलते ही दिनदहाड़े मनचले उसे परेशान करते हैं। उस छात्रा ने एसएसपी से भी मदद मांगी है। छात्रा कहना है कि बाइक सवार बदमाशों ने उसके साथ छेड़खानी की और तेजाब डालने की धमकी दी है, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी के बरेली में डीएम सुरेंद्र सिंह ने तुगलकी फरमान जारी किया है। उनका कहना है कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी जीन्स और टी शर्ट पहनकर ऑफिस न आए। डीएम ने कहा है कि सभी कर्मचारी पैंट और शर्ट पहनकर ही ऑफिस आए। डीएम के इस आदेश के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है, हालांकि कोई भी सामने बोलने को तैयार नहीं है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में फिल्म निर्माता शिरीष कुंदर पर आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। कोरियोग्राफर फराह खान के पति शिरीष कुंदर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप है। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अमित कुमार तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने शिरीष पर एफआईआर दर्ज कराई है। शिरीष ने ट्विटर पर योगी की तुलना गुंडे और रेपिस्ट से की थी। यूपी के देवरिया में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों पर प्रशासन ने छापा मारा। इस दौरान कई दुकानों को तोड़ा गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा इलाके में ऐसी अवैध दुकानें न खुलें। पंजाब के गुरदासपुर सेंट्रल जेल में कैदियों ने पुलिस पर हमला किया। कैदियों के गुट ने अपने साथियों के साथ एक ही बैरक में रहने की मांग को लेकर पुलिस पर हमला बोला। यह हमला तब हुआ जब कुछ कैदियों को पेशी पर ले जाया जा रहा था। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। पंजाब के फजिलका में पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर रेत माफिया पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस टीम ने करीब 5 गांवों में रेत की खदानों पर छापा मारा जहां अवैध माइनिंग चल रही थी। प्रशासन ने यहां से एक्सकेवेटर मशीन, रेत सर्दी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं।